तो बिहार के लाखों शिक्षा माफियाओं के खिलाफ लड़ने का मेरा यह अभियान है। शिक्षा माफिया से लड़ रहे हैं? हाँ, शिक्षा माफियाओं से मतलब विचारों से लड़ना है और कलम किताब नोक से ही लड़ना। वन नेशन वन एजुकेशन की डिमांड कीजिए ताकि बेहतर शिक्षा सबको मिले। कि एक टेबल पे एक साथ डीएम के साथ मजदूर का बेटा कैसे पढ़ेगा? सरकार का कोई एक्शन प्लान है ही नहीं। आप देख सकते हैं, जब तक सरकार काम करेगी तब तक लाखों विद्यार्थी तो बर्बाद हो जाएंगे। नमस्कार। कुछ समय पहले आप देख रहे होंगे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के सियासत एकदम गर्म हो गई थी, और इसी बीच अभी हमारे सामने एक आदमी दिखे, चूंकि रोड पर सड़क पर चलते हुए जा रहे थे, सर पर एक बैनर रखे हुए हैं, गले में एक बैनर टांगे हुए हैं और एक तिरंगा को लेकर के सड़क पर घूमते हुए जा रहे थे। तो हमने सोचा कि आखिर ऐसा क्या मामला है, तो जब हमने देखा तो वन नेशन वन एजुकेशन की बात कर रहे थे। तो इनसे हम लोग जानते हैं कि आखिर कैसे वन नेशन वन एजुकेशन को लेकर के सड़क पर पोस्टर लेकर के घूमने का निर्णय क्यों लिए। सबसे पहले भैया, क्या नाम हुआ आपका? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपको शिक्षा की जो ज्योत बुझ रही है उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। नाम क्या हुआ? मेरा नाम दीपक गुप्ता है और मोहनिया के कैमूर से मैं पैदल चल के यहाँ तक पूरे 7 महीने में यहाँ। घर कैमूर हुआ? कैमूर मोहनिया में है। मोहनिया कैमूर? हाँ। अच्छा, वहाँ से चल करके आप आज पटना पहुँच गए? हाँ, आज पटना पहुँचे हैं। और पैदल यात्रा है। मतलब उतना दूर से पैदल चल के आए, कितना दिन लगा? आपको 7 महीना और भी मतलब वहाँ हर गांव कवर किए, कुछ मतलब सासाराम मोहनिया। उधर से पटना आने के क्रम में जितना भी गांव मिला सब जगह से गांव में आप ऐसे घूमते हुए आए? हाँ, सब जगह गांव घूमते हुए। देखिए, इनके सर पर जो पोस्टर रख रखा है इन्होंने, इस पर लिख रखा है ऑल इंडिया अभिभावक संघ छात्र स्वाभिमान पद यात्रा, राष्ट्रपति का बेटा हो या सिपाही की हो संतान, सीएम डीएम मजदूर का बेटा, सबको शिक्षा एक समान। और ये बंदा बिहारी कौन है भैया? जो ये जब से हम बंदा बिहारी नाम है, जैसे दसवें से गुरु है, तो उनका एक एक बंदा लाखों लोगों पे भारी पड़ते थे। अच्छा। तो उस गुरु जी के बंदा समझ के हम अपने आप को इस अभियान पे निकले हैं। और बिहारी शब्द लोग गाली के यूज में यूज करते हैं, तो बिहारी एक सम्मान के तौर पर हम लेके निकले हैं। और तो इस दोनों वर्ड को मिला के बंदा बिहारी, जैसे कि 1.25 लाख से एक लड़ावा तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। तो बिहार के लाखों शिक्षा माफियाओं के खिलाफ लड़ने का मेरा यह अभियान है। शिक्षा माफिया से लड़ रहे हैं? हाँ, शिक्षा माफियाओं से मतलब विचारों से लड़ना है और कलम किताब नोक से ही लड़ना है। ऐसा नहीं है कि बंदूक गुंडागर्दी नहीं, हथियार नहीं उठाना है। क्यों आपके साथ ऐसा क्या घटना घटित हुआ जिसके बाद आपको ये इसको लेकर के सड़क पर उतरने को मजबूर? देखिए, हाल ही में आप प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को आप देख सकते हैं। मेरा एक छोटा सा भगीना था जिसको पढ़ाने में हम मैजिक चलाते थे, मैजिक चलाने से 8,000 रुपया हमको तनख्वाह मिलता था। अच्छा। और उसी के साथ साथ पढ़ाई भी करते थे। तो फिर बीच में कोरोना काल आया जिसके चलते सारा काम धाम छूट गया और पढ़ाई भी बंद हो गया। लेकिन प्राइवेट स्कूलों को उस समय पैसा की डिमांड काफी हो रही थी जिस कारण पे नहीं कर पा रहे थे। बीच में आप देख रहे होंगे कि फिर ऐसा प्राइवेट स्कूलों ने पॉलिसी लाया कि हर साल किताब महंगी 8,000, 9,000, 10,000 की किताब को हर साल चेंज कर दे रहे हैं, सिलेबस पैटर्न को बदल बदल के। और इससे एक अभिभावक को काफी क्षति हो रहा है। बहुत ही मेहनत से अभिभावक पैसा कमा कर लाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में, और सरकारी स्कूल के भी हालात आप देख सकते हैं कि खंडहर हो चुके हैं, टूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। वहाँ गुणवत्ता पूर्व शिक्षा नहीं दी जा रही है। और आप मतलब एक आधुनिक ढंग से दी जा रही थी, अब तो खैर बहुत सारा सरकार इस पे काम भी कर रही है। नहीं नहीं, जिस स्तर से काम, सरकार का कोई एक्शन प्लान है ही नहीं। आप देख सकते हैं, जब तक सरकार काम करेगी तब तक लाखों विद्यार्थी तो बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा। आप अपने मेरे क्षेत्र में या कहीं भी जाकर नजर उठा के देख लीजिए किस प्रकार से विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद हो रहा है। वो चाह रहे हैं कि हम बेहतर शिक्षा करके कुछ बेहतर करें, समाज के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना योगदान दें। और विश्व गुरु की जो संकल्पना लोगों ने देखा है कि हमारा देश विश्व गुरु हो, तो कैसे होगा? जब तक लोग बेहतर शिक्षा नहीं पाएंगे, आधुनिक ढंग से शिक्षा नहीं पाएंगे और शिक्षा के नाम पर लूटे जाएंगे, ऐसे ही सारा पैसा तो अभिभावक। आप कहाँ तक पढ़े, कौन से कर लगता है? हमें तो ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन किया? हाँ, ग्रेजुएशन किया 2019 में, ग्रेजुएशन फाइनल है। और हायर एजुकेशन के लिए मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं हायर एजुकेशन के लिए मैं कुछ कर पाऊँ, पढ़ पाऊँ, और जिस कारण से वहाँ तक की पढ़ाई छोड़ के आप इसी तरह मतलब मजबूरी था कि अभिभावक दे नहीं पा रहे थे। मेरा सपना था कि हम भी जज बने और समाज के लिए कुछ करें।
अच्छा आप जज बनना चाहते थे और जब जज नहीं बन पाए, मतलब पढ़ाई के लिए उतना पैसा नहीं जुटा पाए, तो आज आप सड़क पर उतरे हैं, जो गरीब लोग जो नहीं पढ़ पा रहे उनके लिए आप आवाज बन रहे हैं। हाँ देखिए, आवाज जब तक समाज में लोग आएंगे नहीं, अच्छे लोग आएंगे नहीं, तो समाज कैसे बदलेगा। और लोग डर रहे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। लोग हंस रहे हैं कि एक टेबल पे एक साथ डीएम के साथ मजदूर का बेटा कैसे पढ़ेगा, ये आप कैसे सोच रहे हैं। तो ये हम बोल रहे हैं कि जो लोग हंस रहे हैं, ये संभव है और आपके प्रयासों से संभव हो सकता है। और बड़े शिक्षा माफियाओं की बढ़ती मनमानी के खिलाफ आप आवाज़ उठाइए, अपने हक और अधिकार के लिए बात कीजिए, वन नेशन वन एजुकेशन की डिमांड कीजिए, ताकि बेहतर शिक्षा सबको मिले, क्योंकि आपके टैक्स के पैसों से सबको आपको सैलरी मिल रही है और सब लोग आप उस सैलरी का मतलब कि जितना भी मिल रहा है, जो भी अधिकारी है पदाधिकारी है, इस आपके टैक्स के पैसे से मिल रही है, तो उस टैक्स के पैसे से कम आप जीडीपी का देख सकते हैं। हाल ही में रिसर्च हुआ है कि सरकार का शिक्षा पर ध्यान एकदम कम हो गया है। पहले जीडीपी का 3 पॉइंट कुछ करके शिक्षा पर खर्च होता था, अब 2 पॉइंट कुछ करके खत्म हो गया है वो खर्च। पोस्टर में देखिए, पोस्टर में भी इन्होंने लिख रखा है, सरकारी स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय को आधुनिक बनाया जाए और निशुल्क शिक्षा दी जाए, जीडीपी का 10वां हिस्सा शिक्षा पर खर्च हो, एक देश एक शिक्षा बोर्ड और एक देश एक पाठ्यक्रम हो, सरकारी स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में खेल को का बढ़ावा दिया जाए, प्रतियोगी परीक्षा को एक निश्चित समय सीमा पर परीक्षा लिया जाए और बहाल किया जाए। हालांकि बेरोजगारी को भी लेकर के इन्होंने बहुत कुछ लिख रखा है। बाकी देखिए, इस वीडियो को के माध्यम से इनका जो मुख्य उद्देश्य यही है कि प्राइवेट स्कूलों में जो काफ़ी बड़े बड़े लोग जाकर के वहाँ पढ़ते हैं और सरकारी स्कूल में वैसी व्यवस्था नहीं की जा रही है, इसको लेकर के यह आवाज़ उठा रहे हैं, इसको लेकर के सड़क पर उतरे हैं। और इनका सीधा तौर पर कहना है कि सीएम का बेटा हो या डीएम का बेटा हो, चाहे मजदूर का बेटा हो, सभी एक स्कूल में एक बेंच पर बैठ करके और एक साथ पढ़ाई करें। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो राय होगी, प्रतिक्रिया के तौर पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।